नमस्कार, ट्यूबलाइट कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज का टॉपिक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप कैसे आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहां पर लोकेटेड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में का पॉपुलेशन और उनका करेंसी और उनका एयरपोर्ट, सीपोर्ट और उनका जो फ्री जोन के बारे में बात करूंगा, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दुबई में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उस बारे में बताऊंगा, और कैसे आप आपका कंपनी आपका बिजनेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शुरू कर सकते हैं उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं द वीडियो हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड दुबई। आप कैसे आपका बिजनेस को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई और दुबई में शुरू कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं द वीडियो। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के नाम पे जाना जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो राजधानी है अबू धाबी है, और उनका मेजर सिटी है शारजा और दुबई। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो 7 स्टेट को लेके बना हुआ है, उनका नाम मैं बता रहा हूँ: अबू धाबी, दुबई, शारजा, उमल कुइन, रासल खैमा, आजमन। ये जो स्टेट्स बता दिया, ये 7 स्टेट्स को लेके बना हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो पॉपुलेशन है 97,70,000 पॉपुलेशन है। तो उनमें से कितने सारे उनका जो लोकल पॉपुलेशन है, जो एमिरेती है, जिनको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो लोकल लोग है 11 लाख है। बाकी जितने सारे लोग है एक्सपैट्रिएट्स है, मतलब है 11 लाख का पॉपुलेशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का खुद का पॉपुलेशन है, खुद का जो उनका जो नेशनलिटीज है नेशनल है उनका खुद का पॉपुलेशन है 11 लाख का है। बाकी जितने लाख का बचा हुआ है पूरा वर्ल्ड वाइड लोग आके बसे हुए हैं। सो टोटल है 97 लाख का पॉपुलेशन है, और उनमें से कितने सारे एक्सपैट्रिएट्स है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। सो 97,70,000 पॉपुलेशन में देख लीजिए 11 लाख से यूनाइटेड यूएई नेशनल से इंडियन है 27 लाख से, पाकिस्तानी 12 लाख से, नेपलीज 3 लाख से, बांग्लादेशी 7.4 लाख से, श्रीलंकन 3 लाख से, फिलीपींस 5.5 लाख से, इजिप्शियन 4.23 लाख से, चाइनीज 2 लाख से, और ईरानियन 4.7 लाख से। सो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया कितने सारे एक्सपैट्रिएट्स जो मेजर एक्सपैट्रिएट्स है, एक्सपैट्रिएट्स मतलब बाहर से लोग आके बसे हुए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यूएई में, उनमें से 11 लाख जो है यूएई नेशनल से, बाकी सब बाहर आके बसे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और वहां का प्रॉपर्टी खरीद के लॉन्ग टर्म लीज में लॉन्ग टर्म वीजा लेके बसे हुए हैं। सो सबसे ज्यादा एक्सपैट्रिएट्स में इंडियन का 27 लाख से। पैंडेमिक जो हुआ, जब भी जो कोरोना का प्रॉब्लम हुआ एक साल पहले 36 लाख का पॉपुलेशन था यूएई में, लेकिन पैंडेमिक में काफी सारे लोगों को नौकरी गया, बिजनेस गया, तो करीब 6-7 लाख लोग 7 लाख लोग रिटर्न आ गए इंडिया। तो फिलहाल 27 लाख का पॉपुलेशन है इन यूएई इंडियन नेशनल्स का। पाकिस्तान है सेकेंड में 12 लाख से, बाकी बांग्लादेश का 7 लाख से, मैं बाकी कितने सारे आपको स्क्रीन में दिखा दिया। सो 97 लाख पॉपुलेशन में 11 लाख यूएई नेशनल है, बाकी जितने सारे एक्सपैट्रिएट्स है अमेरिकन है, कैनेडियन है, यूरोपियन है, ब्रिटिश है, अफ्रीकन से, पूरा वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 97-98 कंट्रीज से लोग जाके यूएई में बसे हुए हैं, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बहुत जल्दी मतलब 1971 में उनका जो जन्म हुआ यूएई बना, 1971 से लेकर अभी तक यूएई ने काफी सारे बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया, बहुत डेवलप किया, और सबसे सेफ कंट्री है। सो वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ यूएई में आके नौकरी करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, और वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कंपनीज यूएई में बिजनेस करना चाहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूएई के बारे में कुछ बताऊंगा। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, मैं आपको बता दिया 7 स्टेट्स को लेके बना हुआ है। 1930s के बाद मतलब जो यूएई है अभी का जो यूएई है पहला यूएई नहीं था, तो छोटे छोटे राज्य यानी स्टेट था बना हुआ था,
और छोटे छोटे जो राज्य था, 7 states था, अलग अलग रूलर्स थे, ठीक है। और बिरान पड़ा हुआ था, काफी सारे जो रूलर्स थे उनका छोटा सा एरिया में उनका पॉपुलेशन रहते थे, और आज के तारीख में जो यूएई जैसे बना हुआ है ऐसा नहीं था। सो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, 7 states था, उनके साथ मिला हुआ था कतार का छोटा स्टेट था और बहरीन का भी छोटा स्टेट था, तो एक ही एरिया में बना हुआ था, एक बड़ा डेजर्ट के एरिया में बना हुआ था, और उनका प्रोटेक्टर था ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ये जो एरिया को, डेजर्ट एरिया को प्रोटेक्टर बना हुआ था यूनाइटेड, आई मीन ग्रेट ब्रिटेन को। सो 1930 से लेकर 1964-65 तक ग्रेट ब्रिटेन ने काफी ट्राई किया ऑयल एक्सप्लोर के लिए, ऑयल डिस्कवरी के लिए, लेकिन तभी साइंस इतना आगे नहीं था, तो ग्रेट ब्रिटेन एक्सप्लोर नहीं कर पाया 1964-65 तक। तो 64-65 के बाद यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि यूएई को, आई मीन द जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बहरीन कतर जो एरिया है वो छोड़ेंगे, इस एरिया को पूरा छोड़ देंगे। सो 1964-65 में ग्रेट ब्रिटेन ने इस एरिया को छोड़ दिया, और 1970-71 तक उनका प्रोटेक्शन में था, और कुछ एरियाज ईरान के अंडर में था और कुछ एरियाज जो खुद का जो रूलर्स के अंडर थे, अंडर में थे। 1971 में अभी जो शेख जाहिद अल नयन थे, अबू धाबी का रूलर थे, तो उन्होंने जितने सारे 7 states थे उनका रूलर से बात किया कि हम लोग मिल के एक कंट्री बनाएंगे, तो पूरे 6 states जो थे, 6 राज्य थे, उन्होंने एग्री हो गया। तो दुबई, अबू धाबी, उमल क्वीन, अजमान एंड शारजा, ये जो स्टेट्स थे, मिलके 1971 में बनाया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, और एक साल के बाद 1972 में रासल खाना ज्वाइन किया, तो 7 states को बना के बन गया यूएई। 1971-72 में ऑयल एक्सप्लोर हुआ, ऑयल का डिस्कवरी हुआ और ऑयल निकलने लगा, फिर धीरे धीरे ऑयल एक्सपोर्ट के वजह से एक ही कंट्री था जो यूएई फर्स्ट कंट्री था, देन सऊदी अरबिया आ गया, तो एरिया में काफ़ी सारे ऑयल यानी क्रूड ऑयल निकलने लगा वर्ल्ड वाइड को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्सपोर्ट करने लगे, और धीरे धीरे उनके पास पैसा आ गया, धीरे धीरे ये कंट्री डेवलप होते गए, ठीक है। 1980s के बाद उनको लगा उनके पास मैन पावर नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि उनको होटल बनाने का था, रोड्स बनाना था, बिल्डिंग्स बनाना था, मॉल्स बनाना था, लेकिन उनके पास मैन पावर नहीं थे, तो धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन से, यूरोप कंट्री से और इंडिया से धीरे धीरे लोग जाके वहाँ काम करने लगे। इंडियन से, इंडिया का जो केरला फर्स्ट स्टेट है और महाराष्ट्र के सिंधी गुजराती जो थे धीरे धीरे यूएई जाने लगे, और धीरे धीरे वहां पर बसना शुरू किए, काम करना शुरू किए और बिजनेस करना शुरू कर लिए। और 1971 से लेकर अभी तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक मॉडर्न एंड सेफ कंट्री बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बता दिया यूनाइटेड अरब के बारे में, अरब स्टेट के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यूएई में, यूएई इतने साल में कितने सारे, बहुत सारे चीज बनाया, बहुत सारे टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया और बहुत सारे डेवलप करके बहुत सारे चीज बनाया जो बहुत वर्ल्ड फेमस है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप यूएई कभी ट्रैवल करोगे तो ये जो आपको वहाँ का जो प्लेसेस है, वहाँ का जो जगह है, आपको देखना चाहिए। तो देख लीजिए क्या क्या प्रोजेक्ट है और क्या क्या प्लेसेस के वजह से, क्या क्या चीज के वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फेमस है, आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो है बुर्ज अल खलीफा, है बुर्ज अल अरब, है द दुबई मॉल, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, फरारी वर्ल्ड अबू धाबी, ठीक है, एमिरेट्स पैलेस है, दुबई क्रिक, जुमेरा बीच, स्की दुबई, मॉल ऑफ एमिरेट्स है, दुबई गोल्ड सुक है। तो देख लीजिए डिटेल्स, मैं आपको 2 पेज में दिखा रहा हूँ दुबई किसके लिए फेमस है। तो मैं आपको डिटेल्स दिखा दिया, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई एंड दुबई किसके लिए फेमस है। दुबई और यूएई को बड़ा बनना था, आगे बढ़ना था, इसीलिए वर्ल्ड का जितने सारे वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल्स दुबई में है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल्स है यूएई में है, दुबई में है, दुबई मॉल्स है, मॉल ऑफ एमिरेट्स है, और टॉप होटल्स है बुर्ज अल अरब है, बुर्ज अल खलीफा है, बड़े होटल्स है, बड़े टावर्स है, और उनके पास एक फ्लावर गार्डन है, हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस है, हंड्रेड्स ऑफ फेमस प्लेसेस है इन दुबई यूएई
यूएई और दुबई में, जो अगर आप टूरिज्म के लिए घूमने के लिए कभी जाते हो तो आप ये सब जगह पे आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। दुबई को आगे बढ़ाने के लिए देखिए, दुबई के पास कम ऑयल है, अबूधाबी के पास ज्यादा ऑयल है, ठीक है। तो दुबई को आगे बढ़ने का था, तो जैसे आपको बता दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई का प्रेसिडेंट थे शेख जायद अल नाहयान, लेकिन वो जाने के बाद, उनको एक्सपायर होने के बाद, उनका जो बेटा है अल नाहयान अभी प्रेसिडेंट है। और दुबई का जो रूलर थे पहले शेख राशिद, ठीक है, तो उनका जो बेटा है शेख मोहम्मद अल मक्तूम, उन्होंने दुबई को काफी आगे तक पहुंचाया। शेख मक्तूम, मोहम्मद अल मक्तूम, जो शेख मोहम्मद के नाम पे जाने जाते हैं, उनका वजह से दुबई आगे बहुत आगे बढ़ गया। उनका जो विजन था, उनका जो प्लान था, उसके वजह से आज दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स किस कौन से बिजनेस में आगे ध्यान दिया जाता है। पहले तो उन्होंने ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया, एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया, उसके बाद टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। तो उन्होंने देखा, दुबई और यूनाइटेड गवर्नमेंट ने देखा किसके वजह से अपना कंट्री आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने देखा ट्रेड के वजह से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आगे बढ़ेगा। उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड क्लास बड़ा पोर्ट बनाया, जबल अली पोर्ट दुबई में, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा दुबई में, यूएई और दुबई में कितने सारे टॉप पोर्ट्स हैं और कितने सारे टॉप एयरपोर्ट्स हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं। तो उनका मेजर पोर्ट है जबल अली सी पोर्ट है दुबई में, मीना रशीद दुबई में है, मीना जाहिद है अबूधाबी में है, मीना खालिद शारजा में है, खोर फखान है शारजा में है, ठीक है। तो उनका जो पांच मेजर सी पोर्ट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जो यूएई को मदद करता है उनका री एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और यूएई का जो एयरपोर्ट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेजर एयरपोर्ट्स कितना है। अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फुजैरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रास अल खैमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। तो उनके पास पांच बड़ा पोर्ट है और पांच बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल्स में दिखा दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो टॉप सी पोर्ट्स है और टॉप एयरपोर्ट्स है। यूएई ने क्या किया, हर सी पोर्ट में और एयरपोर्ट में फ्री जोन भी बना दिया। इसका मतलब होता है जैसे कि आप जबल अली पोर्ट में जाओगे, जबल अली पोर्ट का जो उनका जो एरिया के अंदर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया और वेयर हाउसिंग बना दिया, यानी अगर आपको फ्री जोन है, फ्री जोन का मतलब होता है उसमें टैक्स नहीं लगेगा, वर्ल्ड में कोई भी कंपनी उसके अंदर आके बिजनेस करेगा, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा, ट्रेडिंग कंपनी बनाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं रहेगा और स्टेट का टैक्स नहीं रहेगा, और वो डायरेक्ट उनका डायरेक्ट वीजा एप्लीकेशन होगा, सब कुछ उनका हाथ में रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कुछ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट कुछ टैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, इसलिए करीब 45 फ्री जोन है इन यूएई। कितने सारे फ्री जोन से यूएई में, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, फिलहाल मैं पोर्ट्स के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपको बता दिया कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, ठीक है। और सी पोर्ट में सबसे फेमस है यूएई में जबल अली एयरपोर्ट, जबल अली फ्री जोन है, जबल अली पोर्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा पोर्ट है। तो पोर्ट में क्या होता है, पोर्ट के अंदर उनके फ्री जोन है और मैन्युफैक्चरिंग हब्स है। तो वर्ल्ड में इंडिया, चाइना, वर्ल्ड में जितने सारे बड़े कंट्री से आता है, शिपमेंट आता है, दुबई होके गुजरता है, उनका जो शिप्स होता है, जहाज होता है, दुबई में पहुंच के रिफिल होता है, फ्रेश वाटर लेता है और उधर कंटेनर रीलोड होता है, कंटेनर को छोड़ते हैं और रीलोड करते हैं। तो ये री एक्सपोर्ट हब बन गया दुबई, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे ऐसा होता है दुबई में, बहुत सारे कंपनीज है चाइना से, इंडिया से, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी इम्पोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, दुबई में पहुंचता है, असेंबल होता है दुबई पोर्ट में पहुंचता है, उसका असेंबल होता है, रीनेम बनाता है, उसको ब्रांड बनाता है और ब्रांड बना के वहां से वेस्टर्न वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। एग्जांपल, आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया चाइना से आप मंगाओगे विदाउट ब्रांड नेम, ठीक है, फिर दुबई में पहुंचेगा, दुबई में आपका वेयरहाउस में पहुंचेगा, फिर आपका ब्रांड का नाम लगेगा, फिर वहां से पैकिंग होकर री एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका जो भी डेस्टिनेशन में। तो दुबई यही है, दुबई एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, री एक्सपोर्ट के लिए फेमस है और टूरिज्म के लिए फेमस है। तभी मैं आपको बात करूंगा दुबई का जो एयरलाइंस के बारे में, आप देख लीजिए टॉप एयरलाइंस ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो एयर अरबिया शारजा, एयर अरबिया अबूधाबी, एमिरेट्स एयरलाइंस दुबई, एतिहाद एयरवेज अबूधाबी, फ्लाई दुबई दुबई और विज एयर अबूधाबी, ठीक है।
तो आपको मैं बता रहा हूँ, जो जितने सारे एयरलाइंस बता दिया यूएई का, जितने सारे एयरलाइंस बता दिया, एयर अरबिया लो बजट एयरलाइंस है, और एमिरेट्स एयरलाइंस और एतिहाद, ये बड़ा एयरलाइंस है, फाइव स्टार एयरलाइंस है, ठीक है। तो कुछ साल पहले जो एमिरेट्स एयरलाइंस जब स्टार्ट हुआ था, एमिरेट्स एयरलाइंस, तो उनके पास खुद का फ्लाइट नहीं था। आज से करीब 40 ईयर्स पहला, 40 साल पहला, 70s के बाद, 75-80 के अंदर एमिरेट्स एयरलाइंस उनको शुरू करने का था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो उनके पास खुद का फ्लाइट नहीं था, तो पाकिस्तान एयरलाइंस तो बन गया था। तो पाकिस्तान एयरलाइंस उन्होंने एक या दो फ्लाइट्स लीज में लेकर चलाया, और आज देखिए एमिरेट्स एयरलाइंस कहां पर पहुंच गया और पाकिस्तान एयरलाइंस कहां पर है, क्योंकि उनका जो डेडिकेटेड हार्डवर्क है, उनका जो ऑनेस्टी है, गवर्नमेंट का जो ऑनेस्टी है यूएई का, इसके लिए वो कंट्री बहुत आगे बढ़ा, ठीक है। तो एयरलाइंस के बारे में बता दिया, अभी आपको मैं बताऊंगा फ्री जोन के बारे में, कितने सारे फ्री जोन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। मैं आपको दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ फ्री जोन ऑफ यूएई, तो देख लीजिए। तो टोटल 45 फ्री जोन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। जेबल अली फ्री जोन है, इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी है, ठीक है। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर है, शारजा एयरपोर्ट सिटी है, शारजा मीडिया सिटी है, रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन है, उमर कुइन फ्री जोन है, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए पूरा फ्री जोन देख लीजिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो फ्री दुबई और यूएई क्यों फ्री जोन बनाया, फ्री जोन का मतलब इंडिया में भी फ्री जोन है, लेकिन फ्री जोन का मतलब इसलिए बनाया कि दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, कोई भी एमिरेट्स में आप चले जाओ, कोई भी स्टेट में आप चले जाइए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहोगे तो आपको एक लोकल यानी यूएई नेशनल को पार्टनर रखना पड़ेगा, 51% पार्टनर लेना पड़ेगा, फिर आपको रहेगा 41%, उनका रहेगा 51%। पार्टनरशिप लेने के बाद वो कंपनी बनता है, ठीक है। फिर वो जो यूएई नेशनल रहेगा वो आपका बिजनेस में रहे या नहीं रहे इन्वॉल्व, तो आपको हर साल उसको स्पॉन्सरशिप फीस देना पड़ता है, ये रूल था और अभी भी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसमें बहुत सारे ये जो रूल्स था कॉम्प्लिकेटेड था, तो वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं ले रहे थे आके इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हर बिजनेसमैन को जो इन्वेस्टर्स है उनको चाहिए 100% प्रॉफिट चाहिए, 100% पार्टनरशिप चाहिए, उनको नहीं चाहिए कि उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कोई दूसरा आदमी ला के आके उसमें हाथ डाले, उसमें परसेंटेज ले। इसलिए दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गवर्नमेंट ने 45 फ्री जोन बना दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, हर एयरपोर्ट में और मेनलैंड में और फ्री जोन में यानी पोर्ट्स में। ऐसा जेबल अली फ्री जोन है, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, तो ऐसा बहुत सारा फ्री जोन बना दिया। मीडिया के लिए दुबई मीडिया सिटी है, और मैरीटाइम लाइन के लिए मैरीटाइम सिटी बना दिया, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स सिटी बना दिया, हर डिपार्टमेंट में हर इंडस्ट्री का एक जोन बना दिया, फ्री जोन बना दिया। एग्जाम्पल आपका कोई आप दुबई या यूएई का कोई मेन लैंड में बिजनेस करना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप कोई भी फ्री जोन में चले जाइए, रास अल खैमा, अजमन, शारजा, दुबई, अबू धाबी, तो उसमें आप कंपनी बना लीजिए, कंपनी आपको डायरेक्ट दुबई और यूएई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपको कोई भी यूएई नेशनल या कोई भी लोग आपको इन्वॉल्व, आपको आपका बिजनेस में हाथ नहीं डालेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप डायरेक्ट बिजनेस करोगे, गवर्नमेंट को आप कॉन्टैक्ट करोगे, गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट करोगे, आपके बीच में गवर्नमेंट और आपका बीच में कोई भी स्पॉन्सर यूएई नेशनल कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए फ्री जोन बनने के बाद हंड्रेड्स थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ कंपनीज आके यूएई में बिजनेस स्टार्ट करने लगे, तो इसलिए तो दुबई और यूएई आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही अगर आपका कुछ बिजनेस करना है यूएई में, तो एयरपोर्ट फ्री जोन है, जेबल अली फ्री जोन है, और सबसे सस्ता फ्री जोन है अजमन में और रास अल खैमा में, तो आगे मैं बताऊंगा कितना खर्चा आता है उसमें। तो अभी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है दुबई में और यूएई में, आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए स्क्रीन में। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट कंपनीज, और बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक, ट्रैवल एजेंसी और टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल बिजनेस, ई कॉमर्स,
अपैरल ज्वेलरी एचआर कंपनी, हाउसमेड सप्लाई और लेबर सप्लाई कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, कार सेलिंग बाइंग कंपनी, कंप्यूटर रिलेटेड बिजनेस, सिक्योरिटी सर्विस कंपनी, रेंट ए कार कंपनी, होटल्स रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज। सो मैं आपको बता दिया क्या क्या बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यूएई में, ठीक है। तो उसमें सबसे जो हॉट बिजनेस है, सबसे बेस्ट बिजनेस है ट्रेडिंग, ठीक है। क्योंकि यूएई में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, यूएई में ऑलरेडी यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गवर्नमेंट जो है आपको फ्री जोन में ऑलरेडी फैक्ट्री साइट्स बना हुआ है, आप डायरेक्ट जाके फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और यूएई में क्या है, लेबर लॉ और उधर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, उधर कोई लेबर का प्रॉब्लम नहीं होता, जैसा कि हमारा इंडिया में और एशियन कंट्री में लेबर लोग प्रोटेस्ट करते हैं सैलरी वेजेस बढ़ाने के लिए और बहुत सारे उनका मांग है जो उनका लेबर का, तो ऐसा यूएई में ऐसा नहीं है, लेबर लॉ में ऐसा नहीं है। तो वहाँ का लेबर्स प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए यूएई में बड़े बड़े कंपनीज जो बड़े बड़े कंपनीज वर्ल्ड का टॉप कंपनीज यूएई में आकर इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि वहां पर लेबर का लॉ है लेकिन लेबर का प्रोटेस्ट जो होता है वो नहीं है। लेबर कुछ भी मांग के लिए कंपनी फैक्ट्रीज बंद नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेबर काम करेगा, सैलरी लेगा, घर पे जाएगा, ये उनका सिस्टम है। इसलिए वर्ल्ड का टॉप कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करने लगे, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। सो यूएई में आप कोई भी फ्री जोन में या मेनलैंड में आप आपका फैक्ट्री अगर डालोगे, फैक्ट्री आप में इन्वेस्ट करोगे तो इजीली आप मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, अफ्रीका नज़दीक है, एशिया नज़दीक है, यूरोप नज़दीक है और अमेरिका को भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग बिजनेस अच्छा है, री एक्सपोर्ट भी अच्छा है। अगर आप यूएई में आपका एक्सपोर्ट कंपनी है तो आप लोकल कंपनी से आपका प्रोडक्ट लेके उसको री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या चाइना इंडिया से आप इम्पोर्ट करके दुबई से री एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएई से, ठीक है। ये हो गया बेस्ट बिजनेस है। सेकंड में है टूरिज्म बिजनेस के लिए थोड़ा पैसा खर्चा आता है, 3-4 लाख दिराम का खर्चा आता है टूरिज्म बिजनेस के लिए। तो इसके लिए आपके पास करीब 3-4 लाख दिराम, मतलब आपके पास करीब 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर आप यूएई में टूरिज्म कंपनी बनाना चाहते हो। तो टूरिज्म कंपनी में मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड दुबई विजिट करते हैं, तो आप होटल्स के साथ काम करोगे, रिसोर्ट के साथ काम करोगे, वीजा सेल कर पाओगे, विजिट वीजा और कोई भी वीजा, टूरिस्ट वीजा वगैरह, उसमें भी आपको पैसा मिलेगा और टूरिज्म पैकेजेस भी आप सेल कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया बिजनेस। और दुबई में लेबर सप्लाई बिजनेस यानी आपका वीजा में, आपका कंपनी का वीजा में आप वर्ल्ड वाइड लेबर्स मैन पावर रिक्रूट करके रखोगे और आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर कंपनी को सप्लाई करोगे पर आवर के हिसाब से, तो उसमें से काफी पैसा कमा सकते हो। और आपका दुकान यानी ब्रांडेड शॉप्स बना सकते हो, ब्रांडेड शॉप यानी कपड़े का ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो गोल्ड सोक है, वहां पर गोल्ड का बिजनेस भी कर सकते हो। और वहां पर रियल एस्टेट का एजेंसी खोल सकते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट कंसल्टेंसी भी खोल सकते हो। और दुबई में रेंट ए कार वो चलता है, रेंट ए कार यानी आपके पास 10-20-30 कार खरीद के रखी है, फिर उसको पर डे के हिसाब से रेंट दे दीजिए, आपको उसमें काफी पैसा आता है, पेट्रोल सस्ता है, उसमें काफी पैसा आपको मिल जाएगा। और कार सेलिंग बाइंग यूएई में जो यूएई नेशनल है और रिच लोग है, हर 3-4 महीने में कार सेल करके बेच देते हैं, नया खरीदते हैं। तो इसमें जो एक्सपैट्रिएट्स है, बाहर से आए हुए हैं, तो पुराना कार खरीदते हैं। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास पैसा है, आप एक बड़ा जगह ले लीजिए और 10-15-20 कार खरीदिए, फिर उसको सेल कर दीजिए। उसमें एक एक कार में आपको 4-5 लाख रुपया, 2 लाख से लेकर 4-5 लाख रुपया कमा पाओगे आप, ठीक है। और रियल इस्टेट कंसल्टेंसी में अगर आप रियल इस्टेट के ऊपर आपका नॉलेज है, तो दुबई में जितने सारे जो बनता है जो बिल्डिंग्स यानी ऑफिसेस घर वगैरह, आप सेलिंग बाइंग में अच्छा पैसा कमा सकते हो कमीशन, ठीक है। और आप रिक्रूटमेंट कंपनी बना सकते हो, दुबई यूएई में बहुत सारे कंपनीज है और रिक्रूट करते रहते हैं, तो आप अगर आपका एचआर कंपनी रिक्रूटमेंट कंपनी आप बनाना चाहोगे तो बनाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप दुबई में आपका रिक्रूटमेंट कंपनी रहेगा, अबू धाबी शारजा में कहीं भी आपका रिक्रूटमेंट कंपनी रहेगा, फिर आप क्या करिए, फिर वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से कंपनी का डिमांड के हिसाब से आप रिक्रूट करोगे और उनको वन टाइम प्लेसमेंट कर दोगे, तो उसमें कंपनी जो है आपको पैसा देगा, कमीशन देगा और
जो लो स्किल्ड वर्कर्स है, अनस्किल्ड वर्कर्स है, तो आपको भी पैसा देंगे, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस बूमिंग है, रेस्टोरेंट आप कर सकते हो, कैफेज कर सकते हो, नाइट क्लब्स वगैरह कर सकते हो, तो बहुत सारे बिजनेस आप यूएई में कर सकते हो। तो मैं आपको डिटेल्स में आपको बता दिया यूएई में और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। और अभी आपको मैं बताऊंगा कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। तो कंपनी कितने टाइप्स का कंपनीज होता है यूएई में, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, देख लीजिए। सो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिविल कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, एलएलसी कंपनी मतलब कहा जाता है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट शेयर होल्डिंग कंपनी है, पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी है, ब्रांच ऑफिस ब्रांच फॉरेन कंपनी है, ब्रांच जीसीसी कंपनी है, फ्री जोन कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है, यूएई बेस्ड कंपनी है। तो इतने सारे कंपनीज आपको मैं दिखा दिया, कितने सारे कंपनीज यूएई में आप बना सकते हो, यूएई में कितने सारे टाइप्स ऑफ कंपनी है। इंडिया में हमारा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ऐसा बहुत सारे कंपनी इंडिया में रहता है। ऐसा ही टाइप्स ऑफ कंपनी यूएई में मैं आपको बता दिया, उसमें जो पॉपुलर है एलएलसी है, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, इसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो यूएई में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक तो है आप फ्री जोन में अगर आप बिजनेस बनाओगे, फ्री जोन में यानी जेबल अली फ्री जोन, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, अबू धाबी में जो उनका फ्री जोन होता है, शारजा में फ्री जोन है, हमरिया पोर्ट फ्री जोन है, रासल खैमा फ्री जोन है, बहुत सारे फ्री जोन है, 45 फ्री जोन में आप बिजनेस का कर सकते हो। तो रासल खैमा और आजमान जो फ्री जोन है उनका सी पोर्ट का, उसमें काफी सस्ता है, 8500 दिराम में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 8500 दिराम अपना यूएई दिराम का आज के तारीख में रेट है 20 रुपया, एक यूएई का दिराम का प्राइस है, करेंसी का प्राइस है, इंडियन रुपीस हो गया 20 रुपीस, ऐसा 8500 कितना हो गया, आप हिसाब कर लीजिए, करीब 180,000-190,000 तक खर्चा आता है अगर आप आजमन और रासल खैमा का फ्री जोन में कंपनी बनाओगे, ठीक है। तो उसमें और कुछ खर्चा नहीं रहेगा, आपको अगर वर्चुअल ऑफिस लेना है तो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, आपका वीजा का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, ये खाली रजिस्ट्रेशन फीस आपको बता दिया। और रासल खैमा गवर्नमेंट का मुंबई में ऑफिस है, अगर आप मुंबई जाके, मुंबई में उनका जो ऑफिस में नीचे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जाके डायरेक्ट आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रासल खैमा में, ठीक है। अगर आप दुबई जाते हो कभी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप दुबई में जाके आप कंसल्टेंसी कंपनीज को, बहुत सारे कंपनी फॉर्मेशन कंपनीज कंसल्टेंसी कंपनीज है, वो आपको मदद करेंगे कंपनी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो दो कंपनी बता दिया, रासल खैमा और आजमन में आप कमा बना सकते हो 8,500 दिराम में। और बहुत सारे प्रमोशनल पैकेजेस भी आता है 15,000 दिराम में, 15,000 दिराम हो गया आपका 3,00,000 रुपया इंडिया का रुपीस में, तो 3,00,000 रुपीस में आपका कंपनी बन जाएगा दुबई में और आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज बिजनेस कंसल्टेंट रहते हैं इन दुबई, आजमान, शारजा, वो लोग क्या करेंगे, 3,00,000 का प्रमोशनल प्राइस है, 3,00,000 इंडियन रुपीस यानी 15,000 दिराम का प्राइस बता दिया आपको। तो अगर आप जाओगे दुबई, शारजा, अजमान, कहीं भी कंपनी बनाओगे, तो ये 15,000 का टारगेट रखिए, 15,000 में खाली कंपनी बनेगा और बैंक अकाउंट खुल जाएगी, आपका वीजा के लिए एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, ठीक है। वीजा के लिए आपका 7,000-10,000 दिराम के अंदर खर्चा आएगा अगर आपको रेसिडेंसी वीजा लेना है, रेसिडेंसी वीजा आपको लेना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस आपको रन करना है, रेसिडेंसी वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया अगर 15,000 तक खर्चा आता है मिनिमम, और सबसे सस्ता है 8,500 दिराम में बनता है रासल खैमा और फ्रीजर में। तो 15,000 दिराम में अगर आप सस्ता में थोड़ा करना चाहोगे तो आप एक बिजनेस कंसल्टेंट को जाकर कॉन्टेक्ट करिए, वो लोग क्या करेंगे, पहले आप 5,000 दिराम दीजिए, ठीक है। 5,000 दिराम हो गया इंडिया का 1,00,000 रुपया, ठीक है। तो 5,000 दिराम देने के बाद वो आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन कर लेंगे, आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे, बैंक अकाउंट खोलने के बाद वो आपसे 2,000 दिराम पर महीने का इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप दुबई में या शारजा अजमान में बिजनेस करना चाहते हो। तो खर्चा हो गया इतना, 15,000 दिराम हो गया, ये 8,500 दिराम हो गया। अगर और सस्ता में आपको करना है, दुकान चलाना है, तो आप यूएई में कोई भी यूएई नेशनल को पकड़िए, कोई यूएई एमिरेती जो कहते हैं, यूएई नेशनल को पकड़िए, वहां का जो लोकल अरब को पकड़िए, लोकल अरब अगर कंपनी बनाएगा खुद का नाम पे, तो खर्चा आता है 2,200 दिराम खर्चा आता है। मतलब इंडिया में जैसा हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएगा तो 15,000-20,000 खर्चा हो जाता है, अगर हम लोग
प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाएगा तो 5,000 में बन जाती है, ठीक है। वैसे ही यूएई नेशनल जो है या अरब जो लोकल नेशनल है तो वो अगर कंपनी बनाएगा 2,200 दिरहम में कंपनी बन जाता है, तो वो कंपनी बनाएगा आपका कंपनी का नाम पे कंपनी बनाएगा, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा, 2,200 दिरहम देना पड़ेगा और बैंक अकाउंट खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप दुकान लेके बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन जो लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, वो अरब का नाम पे रहेगा, लोकल का नाम पे रहेगा, बैंकिंग का साइनिंग अथॉरिटी उनके पास रहेगा, आप बिजनेस करोगे और हर साल उसको कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, 10,000 दिरहम 20,000 दिरहम डिपेंड करता है कितना आप नेगोशिएट करते हो, आपको उतना पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपको आपका बिजनेस में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा, और चेक आप उसे साइन करके आपके पास रख लीजिए, कभी चेक का जरूरत रहता है बैंकिंग का आप खुद जाके बैंक में डील कर लीजिए, वो खाली साइन करके आपको दे देगा। ये भी बिजनेस आप कर सकते हैं अगर आपके पास कम पैसा है। तो तीन टाइप का बिजनेस आपको बता दिया, एक तो प्रोप्राइटरशिप यानी उसको कहते हैं यूएई में एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, सेकेंड है एलएलसी लाइसेंस, फ्री जोन लाइसेंस। तीनों डिटेल्स आपको बता दिया कि यूएई में कौन सा लाइसेंस में आप करना चाहते हो। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो 15,000-20,000 में आप जा सकते हो फ्री जोन में या मेनलैंड में, अगर कम पैसा है फिर आप मेनलैंड में फ्री जोन में 8,500 दिरहम में कर लीजिए फ्री जोन में, और कम पैसा है तो एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बना के आप खुद का दुकान वहां डाल के आप बिजनेस कर सकते हैं। यूएई में बिजनेस करने में फायदा क्या है, बहुत सारे हमारे एक्सपोर्टर्स ब्रदर सिस्टर्स मुझे मेल करते रहते हैं कि दुबई एक्सपोर्ट करना है क्या इजीएस्ट वे है। दुबई बिजनेस करने के लिए आपको इजी होगा, आप खुद का कंपनी बना लीजिए दुबई में, बनाने के बाद क्या होगा आपको आपका बिजनेस अकाउंट में खुल जाएगा, आपका बैंक भी वहां रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर आप दुबई आपके पास काफी पैसा है दुबई में, आप आपका इंपोर्टर्स को सप्लाई कर लीजिए और उससे आपका लोकल बैंक के नाम पे चेक ले लीजिए, 3 महीने का 4 महीने का 2 महीने का 1 महीने का जितने महीने का पोस्ट डेटेड चेक ले लीजिए, जैसे ही टाइम आएगा आपका दुबई बैंक में आप चेक डाल के आपका पेमेंट ले लीजिए, ठीक। लेकिन आप संभाल के बिजनेस करिएगा, देख के करिएगा, अच्छा कंपनी को आप क्रेडिट में दीजिएगा, अगर छोटा मोटा कोई कंपनी को दोगे वो कंपनी आपको पेमेंट नहीं देगा, कंपनी बंद करके चले जाते हैं बहुत सारे कंपनी से और आपका पेमेंट भी डूब जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है, अगर आपके पास पैसा है दुबई में, कोई दुबई में शारजा अजमान कोई भी जगह में रासल खेमा में कंपनी बना लीजिए, बैंक अकाउंट खुल जाएगी, आपके पास ट्रेड लाइसेंस रहेगा और अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल आप रासल खेमा या अजमान में एक कंपनी बना लिया 8,500 दिरहम में, ठीक है, फिर आप 5,000-6,000 में आपका वीजा आ जाएगा, आपका वीजा आ जाएगा। उसके बाद क्या करिए, दुबई में बहुत सारे वर्चुअल ऑफिस है, वर्चुअल ऑफिस का मतलब होता है आप उस कंपनी का जो एड्रेस यूज करोगे, उसका ऑफिस का एड्रेस यूज करोगे, अगर ज्यादा पैसा दोगे तो उनका टेलीफोन भी यूज हो सकता है और उनका जो वर्क स्टेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करिए, अजमान सरासर खेमे में आप सस्ता में आप कंपनी बना लीजिए, दुबई में आपका वर्चुअल ऑफिस ले लीजिए और लेटर हेड में दुबई का एड्रेस डाल दीजिए और आपका टेलीफोन मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ऐड कर लीजिए और ईमेल आईडी वगैरह ऐड कर लीजिए और दुबई ऑल ओवर मिडिल ईस्ट में मार्केट ऑल ओवर यूएई में मार्केटिंग करिए, जहां पर बिजनेस आता है वो आपका बिजनेस कार्ड देखेगा कि दुबई में आपका बिजनेस है, आपका लेटर हेड भी देखेगा, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बिजनेस कर सकते हैं और उसमें 10,000 रुपीज आता है, 10,000 रुपीज में आप वर्चुअल ऑफिस ले सकते हैं दुबई में पर मंथ। तो कितने सारे वर्चुअल ऑफिस दुबई में मिलेगा मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। और दुबई में जैसे आपको बता दिया, अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप कोई भी कंपनी कोई भी फ्री जोन या मेनलैंड में या कोई भी जगह पे आपका कंपनी रजिस्टर करके बैंक अकाउंट बना के फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप देखते हैं कोई बड़े कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल दुबई में बड़े बड़े मॉल्स है, यूएई में बड़े बड़े लुलू शॉपिंग सेंटर है और बहुत सारे मॉल्स है और कैरिफोर है, तो ऐसे कंपनी कभी नहीं डूबेगा और आपका पेमेंट देगा ही देगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपने कुछ सब्जी सप्लाई करते हो, वेजिटेबल फ्रूट सप्लाई करते हो, तो आपका कंपनी दुबई में है तो आप जाके लुलू शॉपिंग सेंटर है बहुत सारे मॉल्स है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, फिर आप उसको सप्लाई करते रहिए और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बाद वो आपको पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे, हर महीने का चेक आपको मिलते रहेगा, फिर आप दुबई में उसको आपके अकाउंट में क्लियर करके आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। ये एक अच्छा तरीका है, अगर दुबई में बिजनेस करना है तो आपको दुबई में खुद का कंपनी बनाइए, वहां माल आपका प्रोडक्ट मंगाइए, फिर दुबई से आप वहां पर रिटेल में और डिस्ट्रीब्यूट करके सेल करिए, आपको इजीली पेमेंट मिलेगा। इंडिया में बैठ के डायरेक्ट दुबई को सप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है आज के तारीख में, अगर आपके पास
बहुत बड़ा, हर महीने आप 10-20 कंटेनर भेज सकते हो, फिर ठीक है। छोटा मोटा बिजनेस के लिए, दुबई के लिए, यूएई के लिए बिजनेस करना काफी मुश्किल है, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया यूएई में कैसा बिजनेस करोगे, और अगर आपको बिजनेस करना है गूगल में सर्च करिए कंपनी फॉर्मेशन बिजनेस कंसल्टेंट्स इन यूएई एंड दुबई, तो आपको काफी सारे कंसल्टेंट मिल जाएंगे दुबई में। वो आप उनको कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका वीजा तक सबके लिए आपको असिस्ट करेंगे। नहीं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, हमारा जो एसोसिएट कंसल्टेंट है इन दुबई, वो आपको मदद करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन दुबई और वीजा का डिटेल, वीजा का रिलेटेड के बारे में, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया यूएई में कैसे बिजनेस करोगे, यूएई में क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, बहुत सारे डिटेल्स आपको बता दिया। समय कम पड़ता है इसलिए मैं काफी आपको बता नहीं पाया। सेकेंड वीडियो मैं और एक बनाऊंगा दुबई के बारे में, यूएई के बारे में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। हमारा ये वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और क्या जानना है आप हमें कमेंट में लिखिए, ईमेल करिए, ताकि आने वाले आगे वीडियो में हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज के तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।